का पुराना तबीब आजम, सुल्तान नूरुद्दीन के यहाँ पैदा होने वाले नौमौलूद को तुमने नई जिंदगी दी थी क्या? तो जंगियों की फौज नहीं है, वो अब तक मुहासरे के लिए आगे नहीं बढ़े। जब शेर जख्मी हो जाए तो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अब देर हो चुकी है क्योंकि जख्म मुझे और ताकतवर बनाते हैं। अब हमला करने की हमारी बारी है। सलाउद्दीन को शेर की कचार पर हाथ डालने की कीमत चुकानी पड़ेगी। इस मरतबा हम जंगी मसले को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ देंगे। चलो मौलिज और मरीज का ताल्लुक राज की तरह होता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी का राज बेपर्दा नहीं किया। सुल्तान नूरुद्दीन के नौ मौलूद बेटे को नई हयात मैंने नहीं दी अमीर अजीज वकार। मुमकिन है किसी और तबीब ने ऐसा किया हो। महल के दस्तावेजात में इस नौयत के किसी वाकई की कोई तफसील दर्ज नहीं हुई। तुम इन बेहुदा बातों से मुझ पर बोहतान लगाने की कोशिश कर रहे हो। होश करो, खामोश हो जाओ। मैं हकीकत जान के रहूंगा। इस किस्से का आगाज जब हुआ, जब फातिमा खातून ने यह बताया कि उसने सलाहुद्दीन को दूध पिलाया। इसका अंजाम आज होगा, यही सच्चाई है, एतराफ करें। सलाहुद्दीन आपकी औलाद नहीं है। बकवास बंद करो। इस हकीम को इसलिए इस रात में शामिल नहीं किया, इस तरह और लोगों को भी मालूम हो जाएगी सलाहुद्दीन की असलियत। अब आप घबरा रहे हैं क्योंकि हकीकत खुद सुन ली है इसने। तुमने क्या किया? एक मासूम इंसान की जान ले ली, वो भी मेरे सामने।